सर आपकी जरा हटके जरा बच के काफी मीडिया वाले लोगों को पसंद वगैरह आ रही फिल्म, क्या कहना रहेगा जिस तरीके से आपने पूरी मेहनत से पूरी लगन से फिल्म को दर्शाया है, क्या क्या सोच के आपके माइंडसेट में कौन सी चीजें चल रही थी जिसकी वजह से आपने स्टोरी को लिखने के लिए प्रयास किया? हम लोग एक ऐसे कहानी ढूंढ रहे, तो जो कहानी या फिर जो इशू है वो पूरे हिंदुस्तान को कनेक्ट हो, मतलब हर एक इंसान को कनेक्ट हो। ये एक छोटे शहर की मिडिल क्लास घर की कहानी है और हमारे देश में 90% मिडिल क्लास ही है, और ये कहानी है इमोशंस जो है वो हर एक को कनेक्ट होने वाले, सहपरिवार लोग आके अपने पूरे फैमिली के साथ आके इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं, हंस सकते हैं, अपने आप को उस फिल्म में ढूंढ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं जिस तरह के रिश्ते हैं या फिर जिस तरह के कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में, और हर फ्रेम उनको एंटरटेन करेगा इस तरह की ये फिल्म है। तो आई थिंक मैं तो लोगों को कहूँगा कि आप अपने पूरी फैमिली के साथ बच्चों के साथ आइए और इस फिल्म को एंजॉय कीजिए, एंड आई प्रॉमिस यू दैट जिस तरह से लुका छुपी ने आपको एंटरटेन किया था या फिर मिमी ने आपको एंटरटेन किया था, उससे भी कहीं ज़्यादा ये फिल्म आपको एंटरटेन करेगी ज़रा हटके ज़रा बचके। कल 2 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है सिनेमा हॉल में, आप प्लीज़ जाके देखिए इस फिल्म, एंड आई प्रॉमिस यू आपके पैसे वसूल रहे। हमेशा लोग जो पर्दे पे बड़े पर्दे में देखते हैं उसी की बातें करते हैं, बट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस फिल्म की शुरुआत कब से हुई थी? यार बहुत लंबा हो जाएगा, छोटा था, छोटा था, ये आइडिया आपको कहाँ से आया था? ये असला इंटरव्यू सेट ना वेड़ पाए। हाँ मिमी के बाद ही आइडिया आई थी, हमारे जो राइटर है मैत्रेय वाजपेयी और रमीज खान ये थॉट लेके आए थे मेरे पास, और इस थॉट पे हमने फिर 6 महीना बैठ के कहानी लिखी। और इस कहानी का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि कहानी हिंदुस्तान के हर एक इंसान को कनेक्ट होगी, ये उनकी कहानी है, ये कोई आर्टिफिशियल कहानी नहीं है, या तेरी मेरी सबकी कहानी है, तो इसीलिए वो ज़्यादा रिलेटेबल हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई वी चूज दिस सब्जेक्ट। फाइनली लोगों के सामने फिल्म आ रही है बड़े पर्दे पे, क्या कहना है लोगों के लिए, क्या दरखास्त करना है लोगों के लिए? जो मैंने अभी कहा वही है कि भाई ये फैमिली फिल्म है, सब परिवार आप आ सकते हो, इट्स अ फन फिल्म, बट सेम टाइम आप अपने आप को इस फिल्म में ढूंढ सकते हो, आप हंस सकते हो, आप रो सकते हो, आपको ये आपकी खुद की फिल्म है। एंड अगेन मैं कहूँगा कि जिस तरह से मिमी और लुका छुपी ने लोगों को एंटरटेन किया, उससे कई ज़्यादा ये फिल्म आपको एंटरटेन करेगी, तो आइए थिएटर में और प्लीज़ देखिए जी भर के इस फिल्म को अपने परिवार के साथ। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।